नमस्कार भाई दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के हर एक ऑफिस पे हर एक जगह पे जश्न मनाया जाएगा। जश्न मनाया जाएगा, आप कहीं पर भी जाकर चेक कर लेना। आज वो जश्न मनाएंगे। किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? पंजाब को बर्बाद करने का जश्न मनाएंगे या राष्ट्रीय पार्टी मिलने का जो दर्जा मिला है उसका जश्न मनाएंगे? तीन छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, कल तीन घटनाएं, तीनों घटनाओं को जोड़कर देखोगे आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि किसी के बच रहे हो ना, अभी भी आंखें बंद हों तो उसकी आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं। और भगवंत मान साहब, आपसे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर आपकी जनता कभी करना चाहे तो। और जनता का ही सवाल है ये, किसी और का नहीं है, जनता का ही सवाल है। सबसे पहले तो सभी साथियों का स्वागत है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बात हक और सच की जाएगी, बात तथ्यों की जाएगी। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, शेयर इसलिए कर देना ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। अभी सुनो, भगवंत मान साहब जो बोल रहे हैं कि जो ऑपरेशन अमृतपाल चलाया गया था, बिल्कुल अच्छा है भाई, चला सकते हो ऑपरेशन अमृतपाल। अजनाला की जो घटना हुई थी उसके करके चला सकते हो, लेकिन आप खुद किस दिशा में जा रहे हो कभी आपने सोचा है? छोटी छोटी न्यूजें आती हैं, भाई पप्पल प्रीत गिरफ्तार हो गया, जल्दी अमृतपाल भी गिरफ्तार हो जाएगा। आप अमृतपाल को गिरफ्तार करो, चलो इन्हीं के ऊपर छोड़ देते, करो गिरफ्तार, गलत किया है सजा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अजनाला में थाने के ऊपर कब्जा किया था, उसका केस चलेगा केस, अगर कोई गलत करेगा तो केस चलेगा। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो कभी सोचा है? आप उन बच्चों के मन में आप बोल रहे हो जो भारत माता के खिलाफ गलत करेगा, गतिविधि करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, जो भी गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं करता उसको सजा मिल रही है, उसके दिल में आप भारत माता के प्रति क्या भर रहे हो कभी सोचा है? ये इस पे सोचो, जिनका कोई कसूर नहीं उनको जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है उनका क्या कसूर है? आपने आर्मी बुलाई, सब कुछ बुलाया, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, काश के यही ऑपरेशन आप नशा करने वालों के खिलाफ कर देते, नशा करने वाले कारोबारी के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन कर देते ना, तो पंजाब की जवानी भी खुश थी और पंजाब भी खुश था पंजाब, अगर नशे के कारोबारियों के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन किया जाता तो। लेकिन आज जश्न मना रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया। एक न्यूज और जिस पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिसको बोलते हैं, उसको क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे से भी हटा दिया गया है। न्यूज आपको ये छोटी छोटी लग रही है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए कितना खराब होने वाला है ये सोच के भी है ना, आपकी रूह कांप जाएगी। एक तीर से तीन शिकार दुनिया करती है, तो एक तीर से सौ शिकार होते जा रहे हैं एक तीर से। कल बोले पप्पलप्रीत को गिरफ्तार किया, क्योंकि आदेश दिया किसने आदेश दिया? दिल्ली बैठा अरविंद केजरीवाल बनिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दे दिया तो अनफान में कि गिरफ्तार करो। क्या 18 मार्च के बाद से अभी तक कोई आदेश नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल साहब ने? कोई भी आदेश नहीं दिया था, इसका मतलब वो खुद ही पंजाब को बर्बाद कर रहा था कि पंजाब में जो भी हो रहा है होने दो। रात को किसी के घर में पुलिस चली जाती है, बहन बेटियों को उठाती है, और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो पंजाब वालों से पूछ कर देखो किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन बेटियों के साथ किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाजी साहब संधू साहब बोलते हैं कि कोई भी न्यूज होगी हमारे पास हम मीडिया में देंगे न्यूज को, कोई भी न्यूज आएगी हमारे पास तो। पप्पलप्रीत को आसाम में ले जाकर पूछताछ की जाएगी, पंजाब पुलिस ने पकड़ा था, क्या पंजाब पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती थी? पंजाब पुलिस 2 मिनट में उगलवा लेती कहां पर क्या है क्या नहीं, 2 मिनट में उगलवा लेती, लेकिन पूछताछ आसाम में जाके की जाएगी, आसाम के अंदर जाके पूछताछ की जाएगी। थोड़ा ना दिमाग पे जोर देना, दिमाग पे जोर। आज ये लोग जश्न मना रहे हैं तो किस चीज का? आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आपकी सरकार है, पंजाब उबल रहा है पंजाब, लेकिन पंजाब को उबलने दो, हम अपना जश्न मनाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। लेकिन ये जश्न मनाने का कोई समय नहीं है। खुद केजरीवाल साहब आपने ही तो बोला था कि 3 महीने के अंदर नशे को खत्म कर दिया जाएगा पंजाब के अंदर से, इसलिए आपकी सरकार बनाई गई थी पंजाब के अंदर। आप नशा तो छोड़िए, आप तो पंजाब की जवानी को खत्म कर रहे हो, पंजाब की जवानी को खत्म किया जा रहा है। जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, जो कभी कांग्रेस नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखा दिया। आज पंजाब को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है। होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है पंजाब के अंदर, कभी किसी ने दिमाग का इस्तेमाल किया है? सुनो ध्यान से, दिमाग का इस्तेमाल आप करोगे कैसे? जैसे ही आप कुछ करने की सोचते हो, दीप सिद्धू गया पर कितना बड़ा कट होया, सब कुछ होया, लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया, हाँ कहाँ पे कट हो रहा है, सिद्धू मूसेवाला के लिए कितना कट होया। आज उसके माँ बाप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप संसद के सामने जाकर धरना दे रहे हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। पता लगा, जो है भीड़ होती ना, भीड़ एक समय तो आपके साथ आ जाएगी,
एक बार तो आपके साथ आ जाएगी, लेकिन ये भीड़ है ना फिर वही झंडे उठा लेगी, कोई आम आदमी का, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई किसी पार्टी का, वो झंडे उठाने चली जाएगी। ये होती है भीड़। भीड़ के ऊपर भरोसा करके अगर कोई कुछ कर रहा है ना तो बहुत ही गलत कर रहा है, बहुत ही गलत। इतिहास मिटाया जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। किस लिए परवाह करेंगे? क्योंकि इतिहास इनका थोड़ी ना है। इतिहास तो जो महान हस्तियां थी वो इतिहास बना के गई थी, उस इतिहास को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं उसकी तरफ। पंजाब का युवा नशे की तरफ दोबारा फिर जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर। आने वाले कुछ सालों में उड़ता पंजाब तो सोचिए आप, खत्म पंजाब की कहानी दिखाई जाएगी। पंजाब कैसे खत्म होया? पंजाब नशे के कारण खत्म हो रहा है, उसी नशे के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा ठीक करता है, वीडियो दिखाएं आपको, वीडियो दिखाएं आपके, जो आपके पंजाब के अंदर से, जेलों के अंदर से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जेलों में नशा सप्लाई कौन कर रहा है? वीडियो है, आप सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, ऐसा भी कुछ हो रहा है। इस वीडियो को सुनकर हम खुद हैरान हैं। उस पर तो कोई बयान नहीं दिया ना, भगवंत मान साहब ने बयान दिया, जबकि वो बंदे खुद भगवंत मान साहब से अपील कर रहे हैं, खुद भगवंत मान साहब से। लेकिन भगवंत मान साहब एक्शन तब लेंगे जब दिल्ली से आदेश आएगा, ये भी बता देते हैं, एक्शन तब ही लिया जाएगा। ये वीडियो वायरल हो रहा है पंजाब की जेल से। वीडियो है इंदरबीर सिंह कालू, इंदरबीर सिंह कालू नवदीप डेप्टी सिक्योरिटी डेप्टी है जेड़ा भुपिंदर सिंह की जेल से वीडियो वायरल। ये सारे रल मिल के ते उरे साडे केसवाल नु किसी नु काला पीलिया हो गया, किसी नु एचआईवी हो गई, ते चल सुनाई हो रहा है चीजें बंद कीतिया जान, ते जिन्ने भी हैगे सारे ये मुलाजिम जी, क्योंकि असी आप मर के नशे पत्ते। ये देखो अपील किससे कर रहे हो, वीडियो बड़ा है इसलिए काट के दिखाया आपको। ये हालात है पंजाब की जवानी की। पंजाब के युवा खुद जेलों के अंदर से वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भगवंत मान साहब अपील है, एक बार जेलों का निरीक्षण क्यों नहीं करते भगवंत मान साहब? आपको बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलेगा। जो ये आप पंजाब को जला के आप लोग खुशियां मना रहे हो, मनाओ खुशी, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, खुशियां मनाओ, लेकिन उस पंजाब को तो बचाओ जिसके कारण आप राज कर रहे हो। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, उस पंजाब को बचाने की तरफ कोई ध्यान है? लेकिन लोग फिर झंडे उठा कर खड़े हो जाएंगे। आपके यही झंडे उठाने वाले ना आपकी नस्ल और फसल को खत्म कर रहे हैं। अब की बार पंजाब में कितनी पैदावार होगी, किसी ने ध्यान दिया? हरियाणा में कितनी पैदावार होगी, यूपी में कितनी पैदावार होगी? उस पर तो कोई ध्यान नहीं किसी का, कोई भी ध्यान नहीं है ना। बस लगे रहिए कब कौन मिलेगा, कब कौन, जो गलत कर रहा है वो मिलता जाएगा, उसके लिए फिर लड़ने के लिए आगे फिर अदालत में अपील होती है, फिर लड़ लेगा वो। लेकिन ये हो क्या रहा है? ले दो नाम कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है पंजाब के अंदर, क्योंकि बीजेपी की सरकार है ना, बोल दो बीजेपी कर रही है। आगे पीछे एक ही चीज़ है ना, लोगों को उलझा दिया, डिग्री फेंक है। डिग्री कोई मुद्दा था क्या? कोई मुद्दा था डिग्री का? लेकिन नहीं, डिग्री फेंक है, बस डिग्री का मुद्दा अड़ा दिया आपके सामने और पंजाब को जलने के लिए छोड़ दिया, जलने के लिए छोड़ दिया। इसलिए कह रहा था वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग ये वीडियो मांगोगे तो जेल से वायरल होया है। वीडियो मांगने से पहले आपको बता रहे हैं, पहले तो ना आप ये देखिए जिस जेल से वीडियो वायरल होया उस जेल से वीडियो कैसे वायरल हो रहा। वो बोल रहे हैं कि हर एक चीज मुहैया कराई जाती है जेल के अंदर, हर एक चीज। कमाल की बात है, कोई नई बात नहीं है ये, कहीं कोई सोच रहा हूं नई बात है, पहले से होता है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बड़े स्तर पर हो रहा है। अपनी आंखें खोल लो। आपको अभी तो पंजाब जल रहा है ना, लियाओ इनको, यहाँ लियाओ, हरियाणा में लियाओ, हरियाणा में आते भी ये यही हाल करेंगे। अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे ये। लेकिन संभल जाना हरियाणा वालों, संभल जाना, जो हाल पंजाब का है उससे बुरा हाल कर दें, क्योंकि बनिया कभी किसी किसान कार मजदूर का सगा नहीं हो सकता। उनका खून चूसने वाले को बनिया का आ जाता है और ये खून चूसेगा, खून चूसेगा। वीडियो को शेयर कर देना, बता कि हरियाणा में भी सुन रहे हो ना, उसकी आँखें खुल जाए, ये बनिया कैसे खून चूस रहा है किसान का, मजदूर का, उनके बच्चों का, उनकी फसल को, उनकी नस्ल को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई। ऑफिशियल दीपक फौजी, बात हक और सच की जाएगी। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, आपके सामने सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि अब नंबर ये हरियाणा का लगाने वाले हैं। हरियाणा में मत आने देना ऐसी किसी भी बाहरी ताकत को जो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।